हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज मैं मम्मी तो इसलिए फिर ब्लॉग में नहीं आती है। और फिर काफी लोग तो मतलब जेन्युइनली पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब चाची की तबीयत कैसी है। और काफी लोग मतलब बड़े नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि बता देते हैं, क्योंकि लोगों को भी फिर मतलब ऑब्वियसली कोई ब्लॉग का पार्ट है और एकदम से नहीं आ रहा है, तो फिर लोग सोचते हैं कहाँ गए। तो बस यही रीज़न है। वैसे चाची आती है, हमारे साथ जाती भी है, और आज तो चाची भी जा रही है, ठीक है। पर बस थोड़ी बोलने में दिक्कत है, अभी थोड़ा टाइम ठीक हो जाएगी तो फिर चाची कॉमेडी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, एनर्जी आ जाएगी चाची पे ना। और मम्मी जा रही है, क्या मास्टरनी वाला चश्मा लगा लिया मम्मी ने। आंखें तो मेरी भी कमजोर है, चश्मा तो मुझे भी लगाना पड़ेगा। दूर से तो देख लेती हूँ मैं, फिर दूसरे मुझे दूर का देखना होता है तो मुझे दिखाई नहीं देता है। ऐसे हो ना, खाना तो मैं ऐसे करके कब तक रखूंगी ऐसे ही। तो ऐसे तो मैं भी मतलब स्कूल में मतलब 11th क्लास से चश्मा लगा रही, तो फिर मेरे को भी सब काफी लोग बुढ़िया बोलते हैं। और मेरे को अभी रिसेंटली किसी ने डबल बैटरी बोला, मुझे इतना गुस्सा आया, पर मैं क्या बोलूं। मतलब अनलेस एंड अंटिल आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। पता है मुझे किसने बोला डबल बैटरी? बहुत फनी केस हुआ था। तो पता है मैं जा रही थी ऑफिस कैब में बैठ के, और मैं अकेली थी और ड्राइवर था आगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे सिग्नल पे ना गाड़ी रुकती है तो ऐसी रुकी, तो फिर जैसे अब सिग्नल पे कोई मांगने वाले आते हैं, तो ऐसे कोई वो ट्रांसजेंडर थे। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, पर उन्होंने ना मतलब ऐसे मुझसे ना पैसे मांगे। तो मैं, मेरी जनरली आदत है जब गाड़ी में रहती हूँ तो मैं शीशा नीचे नहीं करती हूँ, क्योंकि दिल्ली में इट्स हाईली रिस्की, लोग कभी भी कुछ भी लूटपाट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। तो मैं तो सबको एडवाइस करूंगी कि शीशे नहीं खोलने चाहिए, चाहे आपको हेल्प भी करनी है तो आपको नहीं पता आज के डेट में कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। तो मैं मतलब ऐसे, वो मुझे बोल रही कि अरे बहन सुनो, और मैं लैपटॉप में काम कर रही थी तो वैसे भी मेरा ध्यान नहीं था। बोला डबल बैटरी आके करा, हाँ ऐसे बोले डबल बैटरी। मैंने कहा क्या यार, मेरे को हंसी आने वाली थी, मतलब मुझे बोल के निकल जाते हैं लोग। गाइस ये देखो हमारी गाड़ी, बहुत टाइम बाद चलाएंगे। लकी मैं चलाऊं, मैं मेरे को अरसा हो गया चलाए हुए। एक कसम से मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी भूल गई यार, मैं सब मेरे को गाड़ी नहीं ऑन करनी आ रही। एक यहाँ गाड़ी चलानी भूल गई मैं, इनको एसी की पड़ी है। अनकंफर्टेबल सी, गेट उड़ा लो। सच में भूल गई क्या? नहीं यार, ऐसे नहीं बोल सकती। गाइस गाड़ी तो चला पा रही हूँ, पर लेकिन ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है मुझे। सेकंड गियर तो डालो। अरे ऑटोमेटिक नहीं है गाइस, ड्राइवर चेंज हो गया है क्योंकि बीच में बहुत जाम लगा दिया था। मतलब 3 लेन का वो थी रोड थी, उसमें से पता नहीं मतलब कवर ही कर ली पूरी, जगह ही नहीं दे रहे थे, और मैं मतलब इधर उधर करके मैं ऐसे करके गाड़ी निकालने का एक्सपीरियंस अभी नहीं है। नॉर्मली चला लूंगी, ट्रैफिक में चला लूंगी, बट ऐसे नहीं कर सकती, और मैं थोड़ा लेट भी हो रहा था। तो अभी लक्की आ गया ड्राइविंग सीट पे, हम वहाँ आए हैं जहाँ भीड़ ज्यादा है। यार मम्मी इसमें भी कलर होता है ना कि पिंक लाल। चलो गाइज अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है और अभी हम जा रहे हैं कुछ मीठा खाने, और हमें पीना है शेक। मैं वहाँ पे ना फ्रूट की शॉप थी तो मैं सोच रही थी कहीं मुझे शेक और जूस मिल जाएगा, पर वहाँ पे कहीं भी नहीं था। ऐसी जगह पे ऐसा बिजनेस खोल दो कितना प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ पे हमने लिए बादाम मिल, चाची के लिए लस्सी, मम्मी खा रही है गोलगप्पी। गाइज अभी हम आ गए गाड़ी वाले एरिया में जहाँ गाड़ी वाड़ी का काम चल रहा है। अभी देखते हैं कहाँ से करानी है, थोड़ा दूर है वो जहाँ से करानी है। यहाँ पे देखो मोस्टली सबके टायर्स वायर्स पता नहीं क्या कस्टमाइजेशन वगैरह जो कराते हैं ना शायद उसके लिए। तो गाइज अभी हम आ गए हैं लक्की के ऑफिस में, और ये जो शॉप है मायापुरी में, मतलब लक्की और का जो बिजनेस है वो यहीं पे है। तो चाची बोल रही है मैं बचपन में आती थी यहाँ पे जब नाना के टाइम पे। लक्की अब आप अपना एक और ऑफिस खोलो जल्दी, लक्की का बिजनेस का कार्ड। लक्की ने तो बिजनेस अभी नया ही खोला है, तो लक्की को ऑल द बेस्ट। और लक्की का जो बिजनेस है वो मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब उसका एक्सपोर्ट और उसका मतलब सप्लाई जो होती है पैन इंडिया। जो दूसरा बिजनेस है वो है ये जेसीबी का, तो वो भी चलती है लक्की लोगों की। ये वाला तो अंकल ने बस दो बार ही दबाया, ये सही हो गया। इस वाले का अभी देख रहे हैं दरवाजे का। यहाँ से मम्मी और चाची जा रहे हैं घर, आप पैदल जाओगे क्या? ठीक है चलो, हम जा रहे हैं गाड़ी धुलवाने। चलो भाई
भाई ऐसा लग रहा है गाड़ी की शक्ल बदल गई, इतनी साफ हो गई है ना, पहले कितनी गंदी हो रही थी। तो मैं अब देख रही हूँ, देखो यहाँ से तो पेंट भी निकलना शुरू हो गया है, और ये गंदे गंदे पैर रखेंगे इसमें हम। आई है, मैं आ गई, ये हेलो, कमरा देख पूरा चेंज कर दिया इसने, मैंने किया है उसके साथ। ए यहाँ पे पीरू ने एक नया टेबल मंगाया है ऑनलाइन, ऐसी छोटी छोटी कुर्सियां हैं और ये सब भी। तो अब आप तो मेरे लिए बनाएगी अच्छी सी चाय, मैं उसका ब्लॉग बना दी। अभी अभी बना के आई हूँ मैं, पागल हूँ क्या, जो 10 बारी घर पे बैठ के चाय बनाती हूँ यार। तो तू ऐसा कर है ना, मैं चाय मस्त चाय का बर्तन धोने का लग दिया, ऊपर तो होगा ऊपर के चाय के बर्तन में भी चाय बन चुकी है, तो दोबारा भी बन सकती है, धुलने को रख दिया, दोबारा बन सकती है, तो जाके धो ले मैं बना दूंगी। अच्छा, बाहर मैंने सिर्फ हेल्दी खाया है, ओनली गोल गप्पे जिसमें सिर्फ पानी होता है। ये ना भाई पागल हो गई है, जो भूत गाइस मुझे कुछ टाइम पहले चढ़ा था अब वो पीरू को चढ़ चुका है। रैंडम मीशो पॉइंट्स अंडर द पीरू, ये रखा, ये ले पनीर टंगल, यहाँ पे तूने डस्टबिन मंगाया था, अब क्या उसका क्या हो गया फिर। तो अभी बब्बू मैं और पीरू जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बब्बू और पीरू कहीं जाएंगे अभी घूमने के लिए। अफसोस मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा पेपर है, और अभी उसी चीज के लिए थोड़ा बहुत इनको कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं, जो एक तो इनका डेली का है खरीदने वहां जाने के लिए। इस मार्केट जाएंगे और मेरा तो बस मेन पर्पस है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी, और पीरू ने बोला है तो जिस जिस कपड़े पे हाथ रखेगी मैं तेरे को वो दिलाऊंगी, अगर तूने नहीं दिलाया फिर तू देखे। मार्केट इनको शॉपिंग करनी है, ये शॉपिंग करेंगे और मैं आइसक्रीम खाऊंगी। और ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं भाई, इनके पेपर वेपर नहीं हो रहे क्या, मेरी तरह बनो कम से कम, लोगों को ये तो नहीं पता लगने तो कि तुम्हारे पेपर चल रहे, तुम फिर भी खेल रहे हो, घर में बैठ के खेलो, बाहर जाकर दुनिया को बताने का क्या होता है। बस दो ही चाहिए, तुम और बना भी नहीं रहे, पीरू नहीं खा रही क्योंकि पीरू को जुकाम है। गाइस आज बब्बू को शॉपिंग कराई है पीरू ने, पीरू ने गाइस ये जो अभी हुआ है इसको देख के मेरी आंख में आंसू आ गए, अभी मेरे भी आएंगे क्योंकि आके सारी शॉपिंग यही कराई, मैं कुछ नहीं कराऊंगी भाई, मेरा तो हो गया भाई। नहीं मैं तो गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और मैंने मार्केट में ज्यादा ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि इन्होंने इतनी शॉपिंग करी है मेरी, इन्होंने कमर दर्द कर दी भाई साहब, मैंने नहीं पीरू ने, और इतना सारा सामान लाया है। 10 बजने वाले हैं और हम अब खाना खा रहे हैं, खाने में है पनीर रोटी, वाह बस खाना खाते भूख इतनी जोर की लगी। तो गाइस बस अब हमने खाना वाना खा लिया है, बस फिलहाल हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय। मैं लिखा के बोलूंगी।